आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अजय देवगन की फिल्म रेड शुक्रवार को सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। फिल्म में अजय देवगन इनकम टैक्स ऑफिसर के किरदार में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में दिखाई गई छापामारी 1981 में यूपी कानपुर में घटी घटना पर आधारित है। फिल्म में दो अलग अलग साल में दो अलग अलग जगहों पर घटी घटना को मिलाकर दिखाया गया। फिल्म में एक लंबी रेड दिखाई गई है जिसके दौरान हिंसा होती है। आपको इस पैकेज में फिल्म रेड जिस सच्ची घटना पर बनी है उसके बारे में बताने जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई 1981 को यूपी कानपुर के बिजनेसमैन इंदर सिंह के घर पर रेड डाली गई थी। इस काम के लिए आयकर विभाग के 90 अधिकारियों को चुना गया था। पहले दिन की छापामारी जब खत्म हुई थी तब तक 1 करोड़ रुपए बरामद हो चुके थे। ये रकम नकद सोने के बिस्किट और गहनों को मिलाकर थी। ये छापामारी इंदर सिंह के स्वरूप नगर वाले घर पर ही नहीं बल्कि उनके अन्य घरों पर भी एक साथ की गई थी। साथ ही दिल्ली और मसूरी के बैंकों में इंदर सिंह के अलग अलग नामों से खोले गए खाते और लॉकर भी सील किए गए थे।